आज इस वीडियो में लोग सीखेंगे किस तरह से हम फोटोशॉप में फ्रंट पेज रेडी कर सकते हैं। हम यहाँ पास बना के रखे हैं फ्रंट पेज, ये देखिए हम फोटोशॉप में इस तरह से हमें यहाँ पास एक फ्रंट पेज बना के रखे हैं, ये हमारा एक फॉर्मेट हो गया। इस तरह से हमें ये फ्रंट पेज बनाया है, तो ये हम फोटोशॉप में किस तरह से बनाया है, क्या डिज़ाइन किए हैं, किस तरह से सेटिंग्स किए हैं, आज इस वीडियो में लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट मैं सबसे पहले इसको मिनिमाइज कर दिया और जस्ट हम यहाँ से नया पेज ले लेते हैं। तो जस्ट हमको फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद यहाँ पास न्यू में चल जाना है। न्यू में जाएंगे, अब यहाँ पास हमको क्या करना है, सबसे पहले पेज लेना है, तो हमको पेज यहाँ पास A4 पेज ले लेंगे, उसके बाद जस्ट ओके करेंगे। तो हमारे पास ये A4 पेज आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, पेज में डिज़ाइन देना है, ठीक है। जो पेज है हमको, पेज में हमको डिज़ाइन देना है, इसका बैकग्राउंड में इफेक्ट देना है, कलर का इफेक्ट। उसके लिए हमारे पास ये टूल बॉक्स दिख रहा है, इस टूल बॉक्स से हम क्या करेंगे, यहाँ से ये देखिए यहाँ पास जो टूल दिख रहा है, यहाँ पास इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पास देखिए एक टूल है ग्रेडेड टूल, इस पर हमको सेलेक्ट कर लेना है। इस टूल को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करते ही यहाँ पास देखिए इसका प्रॉपर्टीज आ जाएगा। इस प्रॉपर्टीज में यहाँ पास हम अलग अलग स्टाइल्स दिया है, किस कौन सा स्टाइल हमको लेना है इस टूल का, हम लोग यहाँ पास अपना ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम स्टाइल अपना क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट किए हैं, क्या इस तरह का येलो टाइप का स्टाइल, हम यहाँ पास येलो टाइप का कलर ये सेलेक्ट किए हैं। इसके बाद हम यहाँ पास इफेक्ट यहाँ पास ये ले लिए हैं। इसके बाद जस्ट हमको यहाँ पास ये जो प्लस का आइकन जो दिख रहा है, यहाँ पास लेफ्ट बटन दबाते हुए इस तरह से हमको ऐसे ट्रैक करना है पेज में। तो देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट हमारे पास आ गया, जिस तरह से इफेक्ट हमको चाहिए इस तरह से अपना इफेक्ट ऐसे हम लोग दे सकते हैं। तो जैसे हमारे पास ये इफेक्ट बन चुका, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, पेज में हमको क्या करना है, बॉर्डर देना है। तो इसके लिए यहाँ पास टूल बॉक्स में हम आएंगे और यहाँ पास राइट क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए शो कर रहा है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, इसको हमको सेलेक्ट कर लेना है और इस तरह से हम यहाँ पास क्या करेंगे, बॉर्डर देंगे पेज में। इस तरह से हम यहाँ पास इसको सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पास हमको एडिट में आना है और यहाँ देखिए शो कर रहा है स्ट्रोक, स्ट्रोक में क्लिक करेंगे। अब किस कलर का हमको बॉर्डर यहाँ पास देना है, ऐसा कलर अपना चूज कर लेंगे, जो भी कलर का देना होगा यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमको यहाँ पास रेड कलर में देना है, ओके करेंगे। अब यहाँ से इसका विड्थ कितना होगा, तो 15 रख लीजिएगा, 15px, और यहाँ से इनसाइड सेलेक्ट कर लेंगे, जस्ट ओके करेंगे। तो ओके करने के बाद देखिए हमारे पास बॉर्डर बन चुका। अब ये जो सिलेक्शन दिख रहा है, सिलेक्शन को हटाना है तो कंट्रोल डी करके हम डी सिलेक्ट कर देंगे। ये हमारे पास देखिए यहाँ पास बॉर्डर हो चुका। अब हमको क्या करना है, यहाँ पास टेक्स्ट देना है, राउंडेड टाइप का इफेक्ट देना है। यहाँ देखिए टूल बॉक्स में हमारे पास ये जो टी दिख रहा है, ये क्या हमारे पास टेक्स्ट टूल, इसको सिलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से आप फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए, किस फॉन्ट में आप लिखना चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ से एरियल फॉन्ट सेलेक्ट कर लिए, अब इसके बाद हम यहाँ से इस तरह से अपना ऐसे एरिया बना लीजिए। अब यहाँ पास जो भी आपको हेडिंग्स देना है यहाँ पास हम लोग दे सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पास दे रहे हैं, तो इस तरह से हम यहाँ पास देखिए टेक्स्ट ये लिख लिए। टेक्स्ट लिखने के बाद अब यहाँ से हमको थोड़ा सा इसको बोल्ड करना है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पास ये बोल्ड हो जाएगा, जैसे सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब हमको इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड हो गया, अब इसको हमको राउंडेड टाइप का इफेक्ट देना है। तो इसके लिए यहाँ पास देखिए हमारे पास शो कर रहा है क्या, क्रिएट रैप्ड टेक्स्ट, इस पर हमको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए शो कर रहा है स्टाइल, इस पर क्लिक करना और यहाँ से जो ARC लिखा हुआ है इसको हमको सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए इस तरह का इफेक्ट हमारे पास ये बन गया, ठीक है, बन गया। तो अब यहाँ पास हमको क्या करना है, किस तरह का आगे पीछे करना है, यहाँ से अपना चेंजेस कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हम लोग को जितना ऊपर करना है, इस तरह से अपना देखिए इस तरह से हम अपना इसको सही तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। और ये नीचे वाला जो ऑप्शन दिया है, इसको भी हम लोग अपना किस तरह से इसको सही करना है, इस तरह का हम इसको आगे पीछे करके अपना इफेक्ट इसको देखेंगे। तो जैसे हमारे पास ये परफेक्ट हो चुका है, जस्ट ओके करेंगे, ठीक है। ओके करने के बाद अब यहाँ से मूव टू सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ जो सिलेक्शन बना हुआ है, ठीक है, अब इसी से हमको क्या करना है, इसको से अंदर ऐसे लाना है हमको और यहाँ पास इसको ऐसे एडजस्ट कर लेना है। ये रहा, ठीक है, हमारे पास ये परफेक्ट हो चुका है। डबल क्लिक कर देंगे, ये हो गया। अब जैसे इसका थोड़ा सा और स्टाइल हमको सही करना होगा, हम यहाँ पास देखिए इसका जो लेयर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ लेयर बना हुआ है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद अब जैसे हम चाहते हैं कि इसका कोई दूसरा कलर हो जाए, तो यहाँ देखिए शो कर रहा है कलर ओवरले, कलर ओवरले पे डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ से जो भी कलर चाहिए होगा हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमको देना होगा यहाँ से ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हम यहाँ से ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिए, ओके करने के बाद अब यहाँ जैसे आप चाहते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रोक आ जाए, तो यहाँ पास आप स्ट्रोक कलर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से स्ट्रोक। अब यहाँ से
स्टॉक पर जस्ट डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टॉक किस कलर का आप देना चाहते हैं। तो जैसा हम यहाँ सेलेक्ट करें क्या व्हाइट, व्हाइट कलर के स्टॉक हमको देना है, तो व्हाइट सेलेक्ट कर लिए, जस्ट ओके। अब यहाँ से आप साइजेस के इंक्रीज करेंगे, कितना आप देना चाहते हैं यहाँ पास व्हाइट कलर का स्टॉक, यहाँ से आप साइज थोड़ा सा अपना देख सकते हैं। जैसा हम यहाँ पास साइज इसका 6 रख लिए, इसके बाद जस्ट हम यहाँ पास करेंगे क्या, यहाँ से जैसे इनर शेडो सेलेक्ट करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट हमारे पास यहाँ पास आ गया। अभी साइज को थोड़ा सा और यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज करना होगा तो हम यहाँ से और ऐसे कर सकते हैं। अब जस्ट यहाँ से ओके कर दीजिए, तो अब देखिए हमारे पास एक अच्छा सा इफेक्ट यहाँ पास ये बन चुका है हेडिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है यहाँ पास, जैसे नीचे हमको लोगो लगाना है, तो इसके लिए जस्ट हम यहाँ पास अपना लोगो ओपन कर लेंगे। तो जस्ट फाइल में गए ओपन में, अब यहाँ जहाँ जिस भी लोकेशन में आपका लोगो होगा उसको आप ले आएंगे। तो जैसे हमारे पास ये लोगो आ चुका, अब इस लोगो को जस्ट हम इसमें मूव कर दिए, ये हो गया। अब इसको जस्ट हमको बड़ा करना है, इस तरह सेट कर लेंगे, ऑल्ट से बटन दबाते हुए इसको हमको इस तरह से अपना बड़ा कर लेंगे। ये देखिए लोगो हमारे यहाँ पास ये एडजस्ट हो चुका, ऑल्ट से बटन दबाते हुए इसको हम क्या करेंगे एडजस्ट अपना सही तरीके से इसको कर लेंगे। अब हमारे पास ये परफेक्ट हो चुका। अब जैसे नीचे हमको टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, तो टेक्स्ट क्या, जैसे हमको शीर्षक लिखना है, ठीक है, फिर से हम यहाँ पास टेक्स्ट टू सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट टू सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से इस तरह से हम अपना एरिया डिसाइड कर लेंगे, और फिर से हम यहाँ पास टेक्स्ट लिखेंगे अपना। जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट हो गया, इस टेक्स्ट को सिंपल सेलेक्ट करके अब जैसे मान चलिए इसको हमको बोल्ड करना तो बोल्ड कर दिए, स्टाइल चेंज करना है तो हम स्टाइल भी थोड़ा सा इसका चेंजेस कर सकते हैं, जो भी हमको फॉन्ट स्टाइल यहाँ पास चाहिए होगा यहाँ से हम अलग अलग स्टाइल का ले लेंगे तो ज़्यादा और अच्छा दिखेगा। जैसे हम यहाँ पास ये स्टाइल ले लिए, अब यहाँ से फिर से इसको बोल्ड कर देते हैं, ये बोल्ड हो गया। अब हमको इसको क्या रेड कलर में रखना है, तो जस्ट रेड कलर में यहाँ पास इसको सेट कर दिया, ठीक है। अब इसके नीचे जस्ट हमको फिर से लिखना है, यहाँ पास करेंगे क्या, जिससे ऑल्ट बटन दबाते हुए हमको इसी को जस्ट एक कॉपी हम यहाँ पास ला रहे हैं, ऑल्ट बटन दबाते हुए इसी का एक कॉपी, और यहाँ से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर लेंगे और इसी में क्लिक करेंगे और जस्ट एडिट कर देंगे यहाँ पास, और यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जैसे हमको हिंदी में लिखना है तो हम हिंदी फॉन्ट यहाँ से ले लेंगे, इस तरह से हम यहाँ लिख लिया। अब इसका साइज बढ़ाना है तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन लेस देन से हम क्या कर सकते हैं, इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास ये साइज बढ़ गया। अभी हम चाहते हैं इसका कोई दूसरा कलर हो जाए तो सिंपली ये मूव टू सेलेक्ट करेंगे, और मूव टू सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए इसका लेयर बना हुआ है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हमको क्या करना है, लेयर स्टाइल में चल जाएंगे, कलर ओवरले में चल जाएंगे। अब यहाँ देख लेंगे क्या कलर हमको चाहिए होगा, ऐसे कलर अपना चूज कर लेंगे जो भी हमको कलर चाहिए। ओके, अब यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर लिए। अब नीचे जैसे फिर एक और हमको लोगो लगाना है तो यहाँ से फिर से लोगो हम लगा लेंगे, तो फिर से फाइल में गए ओपन में, और यहाँ पर जिस भी लोकेशन में फिर से आपका लोगो होगा आप यहाँ पर लाएंगे। हमारे पास ये लोगो आ चुका। अब इसी को जस्ट हमको क्या करना है, इसे फिर से मूव करना है, तो इसको पकड़ के ऐसे मूव कर देंगे। अब देखिए यहाँ पास ये जो लोगो लागे हैं इसमें क्या है, व्हाइट कलर के यहाँ पास दिख रहा है इसका बैकग्राउंड है, इसको हमको रिमूव करना है। तो जस्ट यहाँ टूल बॉक्स में हमको ये मैजिक टूल सेलेक्ट करना होगा और ये व्हाइट जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देंगे और डिलीट बटन प्रेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पास डिलीट हो गया। और फिर यहाँ भी व्हाइट दिख रहा है इस पर सेलेक्ट करके इसको भी डिलीट कर देंगे, यहाँ भी क्लिक करके ये भी डिलीट हो गया, ठीक है। अब कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट कर देंगे, अब यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट करेंगे। अब इसको छोटा बड़ा साइज करके हमको क्या करना है, एडजस्ट कर लेना है। ऑल्ट सी बटन दबाते हुए कोने में कर्सर रखकर इस तरह से हम इसको एडजस्ट अच्छे से कर लेंगे। तो जैसे हमारे पास ये परफेक्ट हो चुका, ठीक है। अब इसके नीचे जैसे फिर हमको लिखना है टेक्स्ट, तो यहाँ पास क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए, यहाँ पास इसका देख लीजिए लेयर कौन सा है। जैसे हमको यहाँ पास क्या नीचे में इंग्लिश में लिखना है, तो यहाँ पर जैसे इंग्लिश में लिखा है तो इस लेयर को हम सिलेक्ट कर लिए, ऑल्ट बटन दबाते हुए पकड़ के नीचे लाइए यहाँ पर, ठीक है। अब बस इसमें हमको क्या करना होगा, एडिट करना होगा, तो यहाँ से फिर से टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, इसमें क्लिक कर दीजिए। अब जो भी लिखना होगा हम यहाँ से क्या करेंगे, लिख लेंगे।
यहाँ टेक्स्ट लिख लिया, अब इस टेक्स्ट को सिंपल लेकर के हम चाहे तो फॉन्ट चेंज करेंगे ताकि और सही दिखे, यहाँ पास अपने हिसाब से देख लेंगे कौन सा हमको फॉन्ट सही है। तो हम यहाँ पास क्या क्या फॉन्ट हमारा यहाँ पास चेंज हो गया, जस्ट इसको सिलेक्ट करके और इसको हमको क्या करना है, साइज इसका इंक्रीज करना है। तो फिर से यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट लेस देन ग्रेटर देन से साइज थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं इसको। अब इसका जैसे हमको कलर चेंज करना है तो यहाँ से फिर से मूव टू सेलेक्ट कीजिए और इसका देख लीजिए लेयर कौन सा है, तो इस लेयर पर जस्ट डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद अब यहाँ से हमको क्या कर लेना है, यहाँ देखिए शो करा कलर ओवरले, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी कलर हमको चाहिए होगा यहाँ से कलर ले लेंगे। जैसे बाइक चल हमको ये कलर सेलेक्ट करना है, ओके कर देंगे, ओके ये हो गया। अब जैसे नीचे फिर हमको टेक्स्ट लिखना है, यहाँ से ये जो हिंदी वाला हमको हिंदी में लिखना है तो ये हिंदी वाला लेयर इसको सेलेक्ट कीजिए, ऑल्ट बटन दबाते हुए इसको पकड़ के नीचे लाइए ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से फिर से टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर कर्सर रखिए इसी के ऊपर और यहाँ जस्ट सुधार कर लेंगे हम लोग। जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा गया, अब यहाँ पर जैसे इस टेक्स्ट का भी हमको क्या करना है, कलर चेंज करना है। सिंपल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसके अंदर क्या कलर देना है, यहाँ से कलर जैसे मान चलिए हमको रेड टाइप का इफेक्ट देना है, रेड कलर देना है तो ओके कर देंगे, ओके। तो इस तरह से हमारे पास से क्या हो गया, कलर यहाँ पास चेंज हो गया। अब यहाँ पास ये तो हमारे पास इतना बन गया, अब यहाँ जैसे नीचे हमको फिर से टेक्स्ट लिखना है तो इसके लिए फिर से हम यहाँ पास क्या करेंगे, इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ये जो लेयर है हमारे पास इसका देख लेंगे लेयर कौन सा है हमारे पास, ये लेयर है। फिर से ऑल्ट बटन दबाते हुए हमको इसको नीचे लाना है और यहाँ पास हम लोग यहाँ टेक्स्ट लिख लेंगे। फिर से यहाँ टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करते हुए कट करते हुए यहाँ पास जो भी टेक्स्ट लिखना होगा लिख लेंगे यहाँ पास। अब जैसे यहाँ पास हमारे पास टैक्स ही लिखा गया, इसका हम टैक्स का क्या किया, साइज कम कर दिए, साइज को थोड़ा सा और बढ़ाना होगा तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से हम क्या कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ जैसे इसको हमको इतना करने के बाद अब यहाँ से मूव टू सेलेक्ट कर लेंगे, मूव टू सेलेक्ट करने के बाद अब हमारे पास देखिए यहाँ पास ये इस तरह से लिखा चुका है, ठीक है। अब इसका भी जैसे हमको स्टाइल थोड़ा सा देना होगा तो हम यहाँ पास डबल ये जो लेयर दिख रहा है इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसके पास यहाँ पास लेयर पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पास हमारे पास आ जाएगा इसमें हमको क्या कलर देना है, तो कलर ओवरले में गया और यहाँ से हमको जो भी कलर देना होगा यहाँ से अपना कलर चूज कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पास ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिया, अब जैसे हमको स्टॉक देना होगा तो स्टॉक हम लोग सिलेक्ट किया और जैसे किस कलर का हमको स्टॉक देना है तो मान चलिए हम व्हाइट सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ स्टॉक हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा साइज अगर बढ़ाना है तो हम यहाँ से साइज भी बढ़ा सकते हैं, तो जैसा हम यहाँ दे देते हैं 5 का दे देते हैं, जस्ट ओके। इस तरह से हमारे पास ये हो चुका। अब एक और टैक्स हमको नीचे लिखना है, ऑल्ट बटन दबाते हुए पकड़ के हम लोग यहाँ पास इस तरह से नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ से फिर से हम यहाँ पास टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ इसके अंदर ऐसे कर्सर रखेंगे और यहाँ पास जो भी लिखना होगा फिर से कट करके हम यहाँ पास लिख लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पास ये टेक्स्ट लिख लिया। अब सिंपल सेलेक्ट करके हम इसका भी साइज बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन ग्रेटर देन से हम लोग बढ़ा देंगे और अब यहाँ पास मूव टू सेलेक्ट करके साइड में क्लिक कर देंगे तो हमारे पास ये परफेक्ट हो चुका है यहाँ पास, ठीक है। अब नीचे भी हमको जैसे यहाँ टेक्स्ट लिखना है तो फिर से हम यहाँ पास क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पास जैसे इस तरह से हम यहाँ पास सिलेक्शन बनाए, अब यहाँ पास नीचे जो भी आपको देना होगा यहाँ पास दे सकते हो। तो जैसे हम लिख ले रहे हैं यहाँ पास, हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा गया। अब यहाँ पर जस्ट इसको इधर छोटा कर लिए, अब यहाँ पास इसको डन करेंगे। अब इसका क्या कलर आपको देना होगा तो जस्ट डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए इसका लेयर ये है, इस पर डबल क्लिक करके यहाँ से हम कलर ओवरले में जाकर फिर से इसका कलर दे देंगे कि हमको जो भी कलर चाहिए होगा, यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हम यहाँ से कलर ले लेते हैं, जैसे ये हम कलर ले लिए, ओके कर दिए, जस्ट ओके। अब फिर नीचे हमको टेक्स्ट लिखना है तो ऑल्ट बटन दबाइए और पकड़ के हम नीचे ले आएंगे इसको भी और फिर यहाँ टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ कर्सर रखेंगे और इसको मिटाकर जो भी टेक्स्ट लिखना होगा हम यहाँ पास लिख देंगे। टेक्स्ट लिखा गया, अब यहाँ पास फिर से इसको डन कर देंगे। अब नीचे फिर और हमको टेक्स्ट लिखना है तो ऑल्ट बटन दबा के इसको हम लोग यहाँ पास फिर से लाएंगे और फिर से टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर
और इसके अंदर फिर से लिख कर इसको हम लोग मिटाकर फिर से हम लोग यहाँ पास लिख लेंगे। ये जैसे हमारे पास टेक्स्ट लिखा गया, आप सिंपल सेलेक्ट करेंगे, फिर से इसका भी हम कलर चेंज करें यहाँ पास, कलर ओवरले में जाएंगे और यहाँ से जो भी कलर देना होगा जैसे देते हैं यहाँ पास, ये ब्लू कलर दे दिए। ओके ओके ओके, फिर हमको यही चीज़ चाहिए, ऑल्ट बटन दबा के फिर यहाँ नीचे ले जाएंगे और यहाँ जैसे फिर से हमको लिखना है यहाँ पास टैक्स। तो ये हमारे पास इस साइड लेफ्ट साइड का पूरा टैक्स ये लिख आ चुका, ठीक है। अब यहाँ पास हमको करना क्या है कि जैसे अब इसी टाइप का चीज हमको यहाँ पास राइट साइड में भी लिखना है, तो जस्ट हम यहाँ पास इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कौन सा लेयर हमारा पास क्या है। जैसे ये लेयर हमारे पास, जैसे ये लेयर है, तो ऑल्ट स्टिप बटन दबाते हुए हमको क्या करना है, इस साइड ऐसे आना है और यहाँ पास जो भी इसमें सुधार करना होगा, जो भी एडिट करना होगा, यहाँ पास फिर से इसको मिटाकर हम लोग अपना यहाँ पास लिख सकते हैं। ये जैसे हमारे पास हो चुका, ठीक है, अब इसको डन करते हैं। अब फिर यही चीज़ हमको नीचे चाहिए, तो जैसे इसको हम लोग सिलेक्ट किए, ऑल्ट सी बटन दबाते हो, इसी के सीधा में ही यहाँ पास हम लोग यहाँ पास लिख सकते हैं जो भी हमको टेक्स्ट चाहिए। फिर से टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ कर्सर रखेंगे, अब इसको मिटा देंगे, ये हमारे पास हो चुका। अब इसको फिर से मुफ्त सेलेक्ट करेंगे और इसको सेंटर करना होगा तो सेंटर अच्छे से कर देंगे, ये जैसे हो गया। अब फिर से इसको ये इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पास ये लेयर हो गया हमारे पास, और यहाँ से हमको क्या करना, ऑल्ट शिफ्ट बटन दबाते हुए फिर से इसको हमको यहाँ पास ऐसे लाना है, ठीक है। उसी तरह जैसे ये हो गया, इसको भी हमको ऑल्ट शिफ्ट बटन दबाते हुए इस तरह से हमको यहाँ पास ऐसे लाना है। देखिए हमारे पास यहाँ पास ये परफेक्ट अच्छे से पूरा रेडी हो चुका है फ्रंट पेज फोटोशॉप में, ठीक है। अब जस्ट इसको अगर आपको सेव करना होगा तो सेव करने के लिए कैसे करेंगे, तो जैसे यहाँ पास देखिए अलग अलग सबका लेयर बना है, तो यहाँ एक ग्रुप बना लेंगे। जैसे यहाँ पास देखिए लेयर में यहाँ पास क्या हो जाएगा, जस्ट ये सबका हम ग्रुप बना लेंगे, इस तरह से आ जाएगा। अब इस सबको पकड़ के हम लोग इस तरह से इसके अंदर यहाँ पास डाल देंगे, ताकि बाद में कुछ अगर एडिट करना होगा तो हम आराम से इसको एडिट कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं। इस तरह से सब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे। यहाँ पास हमारे पास देखिए पूरा बन चुका, अब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा जितना लेयर है सब इसी के अंदर चला गया है, ठीक है। तो अब जैसे कुछ एडिट करना होगा तो बस इसमें हम लोग जाएंगे और जो भी एडिट करना होगा उसको लेयर को सिलेक्ट करके अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि अब जैसे इसको हमको सेव करना है तो जस्ट फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद सेव एज पे क्लिक करेंगे। अब हमको जैसे सेव कहाँ करना है, डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ नाम डाल देंगे जैसे फ्रंट पेज टू हम नाम डाल दे रहे हैं, और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे क्या, हम JPG सेलेक्ट कर लिए, जस्ट सेव पे क्लिक करेंगे और ओके। तो अब हमारे पास ये जो फ्रंट पेज है क्या हो गया, सेव हो चुका है, ये फ्रंट पेज हमारे पास ये सेव हो चुका। ये देखिए हमारे पास ये फ्रंट पेज सेव हो चुका, ठीक है। अगर हमको यहाँ डायरेक्ट प्रिंट करना है, जैसे फ्रंट पेज बन गया, अब हमको प्रिंट करना होगा तो जस्ट फाइल में जाकर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट अपना कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट अपना जो करते हैं इस तरह से कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस था, इस प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, अपने फोटोशॉप में आप एक अच्छा सा फ्रंट पेज आप रेडी कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, अगर ये वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।